जिसमें मैं अपने इस शेर के साथ शुरुआत करूंगा। किसी मर्तबे की चाहत न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की चाहत न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं। हम प्रशासन बेहतर चाहते हैं। हमारी आज की जो है एक दिवसीय मीटिंग में ओबीसी की, इसमें हम संविधान में लागू करने के लिए ओबीसी को जो है उसके बैनर तले हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे ओबीसी के कानूनी दायरे में लाकर उसको ऐतिहासिक पहल जो हमने की थी उसको संवैधानिक तरीके से लागू किया जाए। पहली हमारी मांग ये है। दूसरी मांग, हम उसमें जो है 27% जो रिजर्वेशन है कानूनी तौर पर वो ओबीसी के वर्ग को दिया जाए। और सरकार से हमारा तीसरा अनुरोध ये भी है कि हम जो है हमारे जो है तमाम प्रशासनिक सेवाओं में ओबीसी के 20% जो है कोटे को लागू किया जाए। मंत्रालयों का भी गठन हो तो उसमें हमारे जो है पिछड़ा वर्ग को 55%, आयोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तमाम और जो है हमारे जो है 2000 पॉइंट जो रोस्टर लागू करना, उस देश की शिक्षा संस्थाओं को ओबीसी के योग्य युवा अस्थाई तौर पर उनको सेवा में लाना है। ये हमारी जो है ना मुख्य यह कुछ मांगे हैं जो ओबीसी के माध्यम से हम जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इनको मतलब ये कटिबद्धता के साथ में सरकार हमारे अनुरोध को माने, उसमें हमारे जो है सारे वर्गों को उससे जो है ना लाभ होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में भी जुडिशली के अंदर हमारे जो है ना प्रशासनिक सेवाओं की तर्ज पर संघ लोक सेवा आयोग में हमारे जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा होनी ही चाहिए। और इससे लंबे समय से ये हमारी मांग जो है ना चली आ रही है ओबीसी की। संगठन व सरकार में ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए, ये भी हमारा जो है खास तौर से अनुरोध है। हम न्यायपूर्वक सरकार से अनुरोध करते हैं कि बैंक लॉग भरा जाए। ओबीसी के मोर्चा संगठन में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही भारत के पिछड़े वर्ग का चेहरा गर्व से खिल उठा था। लिहाजा हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो हमारे ओबीसी के समस्त जो है समस्याओं का समाधान करें और उसे कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाएं। हमने सामान्य वर्ग के समान प्राप्त अंक वाले ओबीसी प्रतिगामी को सामान्य वर्ग में माना जाए, मतलब ये हम जनरल कैटेगरी के जो हमारे नौजवान शिक्षा बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको भी जो है हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इसी तरह से हमारे जो है बाबू हंसराज जी और तमाम और दीगर जो है पदाधिकारी जो मतलब आज की जो है ना इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हैं, वो अति पिछड़ा वर्ग के महासंघ को महासंघ की ओर से हम तमाम मतलब ये है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय एवं दीगर जो है ना संस्थाओं से गवर्नमेंट की संस्थाओं से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे ओबीसी जो है कोटे को लागू किया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक शेर खास तौर से और कहूँगा कि जिन हमने संगठन के माध्यम से अपने विचार आपके सामने रखे, हम
इसी मर्तबे की चाहत ना हमें मकाम चाहते हैं, और जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चाहते हैं, प्रशासन बढ़िया चाहते हैं, उसमें अपनी भागीदारी चाहते हैं। ओबीसी हमेशा, ओबीसी के जो है अति पिछड़ा वर्ग है, हमेशा मांग करता रहा है कि हमारे जो है हुकूक़ की लड़ाई जो है उसे पूरी की जाए। सरकार के कानों तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज इसी पर्पस से, इसी मकसद से, इसी ध्येय से हम आज यहाँ जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनता के बीच में आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।